हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स उसकी एक्सरसाइज है 6.3 वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कुछ नंबर्स हमें गिवन है, इनके स्क्वायर रूट निकाले बगैर हमें ये गेस करना है कि इनका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें वंस प्लेस पे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 9801, फर्स्ट नंबर हमारा है 9801। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनके लास्ट में ये हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके लास्ट में हम देखेंगे 1, 6, 1, 5, तो 1, 6, 1, 5 है, तो इसका मतलब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये पता चल गया। अब इनका हमें क्या निकालना है, इनके स्क्वायर रूट जो होंगे उनकी यूनिट प्लेस बतानी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग होता है, पहले तो ये क्लियर कर लो। जैसे सपोज हमारा 81 नंबर है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है। इसी तरह से हमें क्या करना है, 9801 का स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज कुछ भी नंबर आया, ठीक है, उस नंबर का जो लास्ट का नंबर होगा यानी कि लास्ट में क्या आएगा वो हमें गैस करके बताना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो 9801 का स्क्वायर रूट हमने निकालना नहीं है, केवल हमें गैस करना है कि लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे उसके क्या है, वंस प्लेस पे उसके क्या डिजिट है। ठीक है, तो हम कैसे गैस करते हैं, लास्ट का नंबर देखते हैं। तो लास्ट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 हमारा कब कैसे पॉसिबल होता है, 1 1 जा भी 1 होता है और 9 9 जा 81 होता है, तो इसका भी यूनिट प्लेस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके लास्ट में 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, उसके लास्ट में 1 या 9 आ सकता है। ठीक है, तो हमने गैस किया कि इसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 और 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 9। ठीक है, आंसर क्वेश्चन समझ में आया, बस कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ तुमने ऐसे आंसर लिखना है 9801। ठीक है, तो इट्स स्क्वायर रूट कुड बी कंटेन 1 और 9 एट इट्स वंस प्लेस या वंस डिजिट। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना आंसर है, कैसे गैस करना है वो मैं सिखा रही हूँ, है ना। अब जैसे लास्ट में 6, नेक्स्ट नंबर है उसका है 9 9 8 5 6, लास्ट में 6 है, तो 6 कौन से में आता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 यहाँ पर भी हमारा 6 है, 6 6 जा 36 होता है, यहाँ पर भी हमारा 6 है, तो 4 और 6 दोनों कंडीशन में हमारा 6 यूनिट प्लेस पे आता है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो इसका आंसर लिखेंगे 4 और 6। ठीक है, अब यहाँ ये लास्ट में 1 है तो इसका आंसर सेम रहेगा, 1 होने से क्या होता है, 1 और 9, और 5 लास्ट में होने से एक ही रहता है आंसर, 5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5, यानी कि इतना बड़ा जो नंबर है, इतने बड़े नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर फाइंड करेंगे, वो नहीं देखना, केवल लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर रूट जो होएगा उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट का नंबर 5 ही आएगा। ठीक है, तो हमें केवल गैस करना था, केवल हमें इसका वंस प्लेस बताना था, तो इनका आंसर सिर्फ इतना होगा, फर्स्ट का आंसर हो गया 1 और 9, सेकेंड का आंसर हो गया 4 और 6, फोर्थ थर्ड का आंसर हो गया
थर्ड का आंसर क्या हो गया, 1 और 9, और इसका आंसर हो गया 5। तो केवल इतना लिखोगे, देयर स्क्वायर रूट्स कंटेन वन डिजिट इज इक्वल टू करके आंसर लिख दोगे, बस सिंपल। समझ में आ गया? तो आंसर सिर्फ हमने ऐसे लिखना है, द पॉसिबल वन डिजिट नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 कुड बी 1 और 9। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरी क्वेश्चन में ही है, ठीक है, क्वेश्चन में से लिखनी है। द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर दिया है, यानी 99856 दिया है सेकेंड नंबर, कुड बी 4 और 6। इसी तरह से थर्ड के लिए सेम स्टेटमेंट लिखनी है, द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 998001 कुड बी 1 और 9। फोर्थ आंसर, द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 6576660025 कुड बी 5। समझ में आए? तो आंसर सिर्फ यही है, बाकी मैंने समझाया था तुम्हें कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट का वंस प्लेस क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर्स गिवन है, इनको हमें कैलकुलेट किए बगैर ही केवल गैस से ही पता करना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9। अभी बताया था मैंने कि जिनके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी नंबर होता है तो वो ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और अदरवाइज कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके लास्ट में क्या नंबर है, 3। इनमें कहीं पर भी 3 लिखा है? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये 153 जो है स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इसके लास्ट में 7 लिखा है, इसमें भी 7 नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लास्ट में 8 लिखा है, यहाँ कोई भी एक 8 नंबर नहीं है, तो 8 लास्ट में होने से ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लास्ट में 1 है, तो इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या लिखना है, सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, बट गिवन नंबर 153 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 3, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेम सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ नंबर चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 257 और यहाँ यूनिट डिजिट इसकी है 7, तो यहाँ लिख देंगे यूनिट डिजिट 7, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड के लिए हो गया। थर्ड के लिए यहाँ पर नंबर चेंज कर दोगे, स्टेटमेंट सब सेम रहेगी, 408 लिखा, यूनिट डिजिट में यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, तो इसका थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, और फोर्थ के आंसर के लिए क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 6, 5 एंड 9, देयरफॉर 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज इट कंटेन 1 एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के तो कई तरीके हैं, ठीक है, 2-3 तरीके हैं, सारे मैं सिखाऊंगी बारी बारी से। अभी हम करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे, ऑड नंबर्स जो होते हैं उनको लेते हैं, क्या नंबर लेते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, कौन से नंबर लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, माइनस करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7,
11, 13, 15, एक एक नंबर छोड़ते जाओ और लिखते जाओ, सारे और नंबर्स लिख लेने हमें, ठीक है। ये हमारे सब क्या है, इस तरह से आगे चलते रहेंगे, ये सारे हमारे क्या है, और नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम माइनस करते हुए चले जाते हैं। कैसे करना है वो देखो, सबसे पहले जो भी हमारा गिवन नंबर है, सपोज हमें 100 का निकालने के लिए कहा गया है, तो 100 लेते हैं, ठीक है। 100 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 100 लिया, उसमें जो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है वो माइनस कर देंगे। फर्स्ट ऑड नंबर माइनस किया, कितना है 99, जो नंबर आया वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से हमारा सेकेंड ऑड नंबर माइनस करेंगे, सेकेंड ऑड नंबर है 3, तो सेकेंड ऑड नंबर हमने माइनस किया। फिर जो माइनस करके आया यानी 96, उसमें से हमने थर्ड नंबर माइनस करना है। फिर जो आया यानी 91, उसमें से हमने फोर्थ नंबर माइनस करना है, हमारा फोर्थ नंबर क्या है 7, ठीक है, तो आ गया 84। इसी तरह से माइनस करते हुए चले जाएंगे। 84 में से अभी नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 9 है, 9 माइनस करना है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से नेक्स्ट नंबर 75 माइनस 11, 64 आ गया, 64 में से हमने माइनस करना है 13, 51 आ गया, 51 में से माइनस करना है हमें 15, तो कितना आ गया 36, 36 में से 17 माइनस करेंगे 19 आ गया, 19 में से हमें क्या माइनस करना है 19, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आता तब तक हम यही करते रहते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट ऑड नंबर लेते जाएंगे और उसमें से माइनस करते रहेंगे, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तब हम रुक जाएंगे, उसके बाद हम स्टेप्स गिनेंगे, काउंट करेंगे, एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 स्टेप हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 10। तो इसीलिए क्योंकि 10 स्टेप हुए हैं, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, क्योंकि 10 स्टेप हुए हैं इसलिए 10 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें 169 का पता करना है। अब देखो 169 का निकालना है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर वही रहेगा, 1 हमने माइनस किया 168 आया, फिर 3 माइनस किया, फिर 5, ऐसे ही बारी बारी सब माइनस करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो 25 माइनस 25 करने से लास्ट में हमारा 0 आ गया। तो कितने स्टेप्स हुए वो काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 स्टेप हुए, तो हम आंसर लिखेंगे कंप्लीटेड इन 13 स्टेप, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, आंसर आ जाएगा 13, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया था, अब दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी नंबर हमें जो गिवन होता है, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स करना तुमने पहले प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, जो प्राइम नंबर्स ही हम यूज़ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, 2, 3, 5, 7, ऐसे जो नंबर किसी और के टेबल में नहीं आते वही नंबर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 से हम चेक करेंगे, 2 से तो ये जाता नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। 2 के टेबल के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसमें इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से ये डिविजिबल होता है, यानी कि 3 से इस तरह से तुम अगर चेक करना चाहोगे 729 को 3 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, डिवाइड करके देखोगे तो इस ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 243, ठीक है, 243 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 243 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 243। फिर 243 को भी 3 से डिवाइड करेंगे यानी 81, फिर 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से फिर 27 को डिवाइड करेंगे तो यानी कि 9 आ जाएगा, 39 जा 27 होता है। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 को 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लेके आते हैं, अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है करना तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो डिवाइड करके चेक करके फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, ओके। तो प्राइम
729 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3, 3, कितनी बार 3 है, 6 बार 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए साइन हो गया, यानी कि हमने स्क्वायर रूट का साइन दे दिया इस साइड में, तो हमें इस साइड में भी स्क्वायर रूट का साइन देना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 729 का कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें जो पेयर होते हैं, जो पेयर होते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकते हैं, तो 3 3 दो, ये दोनों ने एक पेयर बना दिया, तो ये एक पेयर बाहर निकल गया, इन दोनों ने भी बाहर एक पेयर बनाया तो ये भी बाहर निकल गया, और इन दोनों ने भी पेयर बनाया ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो पेयर बना देते हैं वो ही बाहर निकलते हैं, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हैं। तो हमारे तीनों बाहर निकल गए क्योंकि तीनों का पेयर इजीली बन रहा था, तो 3 3 9, 9 3 27, तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ओके, ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर क्या है, 400, ठीक है, 400 है, इसको करेंगे 2 के टेबल से कर लोगे, 200 और 100, 250 जा 100 होता है, 2 कितने जा 225 जा 5, 5 जा 25 होता है, और 5 1 जा 5, तो हमारे नंबर्स क्या क्या आ गए, 400 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो इसको भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसको भी स्क्वायर रूट कर दिया, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, एक पेयर कितना बना 2, एक पेयर 2 का और बना गया, और 5 का एक पेयर बना हुआ है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरह से हमें इसके बाकी के पार्ट भी निकालने हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 1764, ठीक है, लास्ट में क्योंकि 4 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 882 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना आता तो इसको ऐसे करके डिवाइड करके तुम इसका आंसर निकाल सकते हो, 2 का टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 882 आ जाएगा, 882 यहाँ आप पुट कर लेना है, फिर लास्ट में क्योंकि इवन नंबर है फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 एंड 1, अब ये किस से जाएगा, 3 के टेबल से जा सकता है, 3 के टेबल की कंडीशन क्या होती है, जो भी नंबर हमें दिया होता है उसको हम प्लस करते हैं, तो कितना आया 9, 9 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो इसीलिए 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड कर लोगे इजीली, ऐसे 441 3 से डिवाइड कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 4 उतारा 3 कितने जा 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 जा 14 21, तो हमारा आएगा 147, तो हम लिखेंगे 147 ऐसे, ठीक है। अब इसको फिर हम कौन से टेबल से कर सकते हैं, 3 के टेबल से फिर से कर सकते हैं, क्योंकि क्यों 1 + 4 + 7 कितना होता है 12 होता है, और 12 जो होता है 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए हमने 3 लिया फिर से, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये डिवाइड करके तुम चेक कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना आता, ऐसे फिर से डिवाइड करके, ऐसे करके 3 के टेबल से डिवाइड करके देखोगे 49 आ जाएगा, ठीक है, तो 49 आ गया। अभी यहाँ पर 49 जो होता है 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 13, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो हम दूसरे टेबल में चेक करेंगे, 5 में भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 7 में चेक करेंगे, 7 में जाता है, यानी 7 7 जा 49 होता है। अब इसी तरह से 7 1 जा 7, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या क्या आ गए पेवर, 1764 इसका आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, ठीक है, तो 1764 का स्क्वायर रूट
यहाँ पर पेयर जिसके जिसके बनते हैं वो निकल जाएंगे। तो टू का पेयर बन गया, टू निकल गया। थ्री का पेयर निकल, थ्री बन गया। सेवन का पेयर बन गया, सेवन निकल गया। अब टू थ्री और सेवन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 42। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सेवन जा 42, तो हमारा आंसर हो गया 42। ओके, तो इसी तरह से बाकी के इसके सारे पार्ट्स करते हैं, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं वही क्वेश्चन तुम्हें करवा दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, वीडियो जब चल रही होती है नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको प्रेस करना होता है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।